हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस का पुष्पा इम्पॉसिबल सब टीवी पे स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हुए एक हफ्ता भी हो गया और अब इसकी ओपनिंग टीआरपी आ चुकी है, यानी कि पहले हफ्ते में इसने कैसा परफॉर्म किया वो हमें पता लग चुका है। तो गाइज, फर्स्ट वीक में जो इसकी टीआरपी आई है वो है 0.8। तो 0.8 की टीआरपी अपने पहले हफ्ते में लेकर आया है। अब हम बात करें टीआरपी अच्छी है या फिर बुरी, तो गाइज चैनल को देखते हुए और इसकी टाइम स्लॉट को देखते हुए टीआरपी अच्छी लेकर आया है ये शो। तो सब टीवी पे 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पे 0.8 की टीआरपी डिसेंट टीआरपी है। तो अभी के लिए तो इस शो ने अपने पहले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म किया है, और इससे पहले जो इस स्लॉट पे शो आता था शुभ लाभ, उससे भी बेटर परफॉर्म किया है पुष्पा इम्पॉसिबल ने। बाकी आने वाले हफ्तों में हमें एक्चुअली देखने को मिलेगा कि क्या ये इसी पर स्टेबल रहता है, 0.8 पर ही खड़ा रहता है या फिर नीचे गिर जाता है। बिकॉज मोस्टली सब टीवी के शोज़ आजकल 9:30 बजे पे जो लॉन्च होते हैं उनकी पहले अच्छी टीआरपी आ जाती है, लेकिन बाद में उनकी टीआरपी डिक्लाइन होने लगती है, गिरने लगती है। तो अभी के लिए पहले हफ्ते के एनालिसिस सिर्फ करें तो अच्छी टीआरपी लेकर आया है, डिसेंट टीआरपी लेकर आया है और काफ़ी सही टीआरपी है। लेकिन अगर आने वाले हफ्तों में इसकी टीआरपी डिक्रीज़ होती है, 0.6 वगैरह 0.5 वगैरह तक पहुँचता है, तो सब टीवी को कुछ महीनों बाद दोबारा से कोई रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। एनीवेज हम इतना दूर नहीं जाते हैं, अभी के लिए सिर्फ पहले ओपनिंग वीक की टीआरपी की ही बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए शो सक्सेसफुल रहा है और 0.8 की टीआरपी चैनल को देखते हुए इस टाइम स्लॉट पे ठीक है, डिसेंट है। आने वाले हफ्तों में आप जुड़े रहिए चैनल से, पता चलता रहेगा कि पुष्पा इम्पॉसिबल कैसा परफॉर्म कर रहा है आने वाले हफ्तों में। बाकी आपको शो कैसा लगा अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा या फिर नहीं अच्छा लगा या फिर मीडियोकर लगा, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए पुष्पा इम्पॉसिबल के फैंस के साथ, और सब टीवी की सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। टॉलीवुड अपडेट्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।